हैं, तुम्हें क्या बनना है दोस्त तुम्हें जिंदगी में? यूपीएससी करना है? बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई, पूरी जिंदगी लग जाती है उसमें, बहुत टाइम लगता है यार करने के लिए यूपीएससी और एमबीबीएस, है ना। एमबीबीएस में तो ऐसा होता है जब तक कोर्स खत्म होता है रिटायरमेंट आ जाती है कि अब सीधा रिटायर होना है। कुछ टाइम पहले अपने टीचर से मिला, मैंने कहा सर मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, तो बुरा मान गए क्योंकि मैं बेरोजगार था। मैं 27 साल का था, मेरे मामा मेरे से कहते एक हफ्ता पहले कि बड़े होके क्या बनोगे, अच्छा मामा, जो मुझसे ये सब ना पूछे। बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं यार, मेरी तो ड्रीम जॉब थी जॉब, बस मिल जाए। मुझे ना दुख उन लड़कियों के लिए होता है जिन्हें तुमने फंसा रखा है, उनकी शादी नहीं हो पा रही तुम चक्कर में, घर वाले बोलते बेटा शादी कर लो, नहीं नहीं अभी तो रिविजन कर रहा है वो, उससे कहाँ हो पाएगा अभी। कोई लड़की सिर्फ इसलिए एम कॉम कर रही है क्योंकि तुमने बोला थोड़ी देर रुक जा बस, कर रखो ना तुमने, इसकी तो शक्ल देख के लग रहा मेरे को इसने, मुझ पर भरोसा करो बस मैं कर रहा हूँ तैयारी। लड़की गुस्सा नहीं आता होगा, वो बोलेगी कि मैं सवाल बताती हूँ तुम सॉल्व करो, कि अगर 10 लोग एक काम को 15 दिन में करते हैं तो तुम कब शुरू करोगे? काम शुरू करो। मैं आज अपनी लाइफ में जो भी हूँ अपने बलबूते हूँ, इसलिए मेरा अच्छा नहीं चल रहा, पर मेरे दोस्त बने फिर मैं अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता हूँ, और मुझे लगता है वो लेना भी चाहते हैं। मुझे ट्रिप पे लेके गए थे वो लोग सर्दियों में पहाड़ों पर, -8 डिग्री सेल्सियस, मेरे फ्रिज में टेम्परेचर 0 से 4 है, वहाँ जाके फ्रिज में बैठ जाओ ना, अगर मुझे गर्मी लगे, लू लग जाए मुझे है? हम कहीं पे जाते हैं ट्रिप पे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सेल्फी तो अच्छी आए है? सारी ब्लर आई है वहाँ, इतनी ठंड थी। मुझे रात को सपने में एक भूतनी आई, उसने साड़ी के ऊपर कार्डिगन पहना हुआ था, मुझे डरा रही थी खा जाऊंगी, डराने के बाद मैं 3 बार तो छींकी वो, मैंने कहा ब्लेस यू कहते RIP। इतनी ठंड में मेरे दोस्त बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, करके नहा लेते हैं, मैंने कहा मुझे डायरेक्ट गोली मार, फोर प्ले नहीं चाहिए। इतनी ठंड में चेहरा फट जाता है ना, मेरा चेहरा फट गया, मैंने अंदर से क्रीम निकाली, उस पर लड़की बनी थी उसका भी चेहरा फटा हुआ था, तो सबसे पहले तो निकाल के मैंने उसे ही लगाई, मैंने कहा तो मेरी जिम्मेदारी पे आई है, कम से कम इसकी तो मदद करूं। बहुत प्यारी थी वो, पैकेट पे भी लिखा हुआ था नॉन टॉक्सिक। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा ओ सुमन तो मुझे छोड़ के जा चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है सुमन। लॉन्डे ना 4 दिन की ट्रिप के लिए 2 दिन की पैकिंग करते हैं, है ना भाई, क्या पता जल्दी मर ही जाए, है ना। मेरे दोस्त ऐसा होता है ना, आपस में भरोसा होता है कि ये तो वो ले ही आएगा, हमारे सिर्फ भरोसा ही रह गया। तुम सोच के देखो, हिमाचल में 4 लॉन्डे सुबह ब्रश लिए खड़े हैं, कोई टूथपेस्ट नहीं लाया, किसी को चमका ही नहीं कि शायद जरूरत पड़ सकती हो, और अब अजीब लग रहा है ऐसी घिस रहे हैं। चार ऐसे खड़े हैं, कैसे खड़ा है वो, ब्रश भी नहीं लाया। मेरे दोस्त से बोला मैंने, भाई बहुत ज्यादा सर्दी है, हमारे कमरे में हीटर का इंतजाम तो है ना, कहता भाई 2 बुरी खबरें। इनका क्या कहता, हीटर तो नहीं है, इनका अच्छा अच्छा और दूसरी कहता कमरा भी नहीं है। मैं तो कहता टेंट है, मैं क्यों, कहता एडवेंचर। मैं भाई मुझे किसी के फ्रिज में बिठा दे बस, मुझे गर्मी चाहिए, कहता वो जब तू सुबह व्यू देखेगा ना प्रिस्टीन, बस सुबह तक बचेंगे तभी तो। पता सुबह तक मैंने रात कैसे काटी है ये देखे कि हवा घुस कहां से रही है। सुबह मैंने व्यू देखने के लिए टेंट खोला, टेंट से व्यू पता है क्या था, दूसरा टेंट, फुल कोहरा, मुझे कोई नहीं दिख रहा वहां पे। मेरे को लगा ये तो नरक ही है जहां मेरे दोस्त दिख रहे हैं बस मेरे को। हम बाहर जा रहे हैं, हमारा गाइड हमसे कह रहा है कि बाहर जा रहे हो ध्यान रखना कहीं जानवर ना दिख जाए। मैं जानवर, मुझे तब दिखेगा जब मैं 1 हैंड डिस्टेंस पे होऊंगा, कोहरा है इतना, और फिर मैं ये बोलूंगा कि भागो यहाँ कुछ है, मैं बोलूंगा आओ एक मस्जिद दिखाता हूँ, जो दोस्त लाए वो तो मरे, उसका मरना तो बनता है। दोस्तों के साथ में बेस्ट ट्रिप वो होती है जो कैंसिल हो जाए। बॉलीवुड देखते हो तुम लोग, जैसे मैंने सीखा कि अगर तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है तो सबसे पास खड़ी लड़की की मांग भर देनी चाहिए। मेरे बहुत चिल आदमी है यार, बहुत ज्यादा, उनका लाइफ में एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ऐसे आदमी को ढूंढ के उधार देना जो कभी वापस नहीं करेगा। तुम्हारे घर में भी ऐसे ही हो रहा होगा ना, वो अपना विजय माल्या ढूंढ रहे हर जगह, पता पुलिस वाले बहुत डरते हैं कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हूं, है ना। मेरे पापा की शादी के एल्बम में सिर्फ घोड़ी की फोटो है, उनके पैर दिख रहे हैं यूं कर रखा उन्होंने। मेरे पापा की शादी में उनके जूते चोरी हुए, मेरी मौसी को जेल हो गई, पापा ने मांग भरी, मेरे नाना ने बेल। सरकार बहुत सारे, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें कभी किसी कुछ मनवाना हो ना, कुछ कहना नहीं है, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हो कुछ नहीं कहना, बस एक टोन निकालनी है, तुम्हें ऐसे करना है कि इस टोन का फायदा होता है बंदा ना मना नहीं करता, मुस्कुराने लग जाता है कि यार नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कि सुना है इंग्लिश वाली मैडम का फेवरेट स्टूडेंट है तो कहता हट पगले, मैडम सबसे बराबर स्नेह करती हैं। पर ये चीज़ ना सिर्फ लड़कों में नहीं चल सकती, लड़कियां इक्वेशन में होनी बहुत जरूरी है। लड़कों में मत करते ना लॉन्डों में कि भाई एक्स्ट्रा पेन है, नहीं तो क्या हो बे, मेरे भरोसे आता है यहाँ पे।
तुझे पाल लूं मैं। कुछ ऐसे कॉमिक्स हैं जिनको आप देखते होंगे कि वो पॉलिटिकली करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, पर उनके भी देख के मजा आता है ना, मजा तो आता है ना। और जो लोग बिल्कुल क्लीन करते हैं, मैं बिल्कुल क्लीन करता हूं, तो लोगों को मेरे वाले शो में मजा आता है। अपना आर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, कि तुम लोग बोल सकते हो कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी थी, लोग लेकिन यार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो जिन लोगों को पसंद आएगी वो लोग देख लेंगे। देखो पता है होता क्या है कि आप लोग भी ना अभी उस फेज में हो कि आप लोग फिगर आउट कर रहे हो मैं जिंदगी में करूं क्या, है ना, ये करूं या ये करूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं दोनों ही बुरे हैं। और स्टैंड अप में जनरली लोग बोलते हैं यार मेरे से नहीं हो रहा यार कुछ भी। स्टैंड अप जनरली वो लोग कर रहे हैं जो कहीं पर फिट नहीं हो पा रहे, कि मेरे को ना अपनी बात कहनी है मैं ऐसे कहूंगा। तो मैं कॉलेज में था और उस टाइम पे मैं ना कुछ ऐसे ही होस्ट करा करता था, कुछ एंकरिंग करता था और लोग ऐसे जोक्स वगैरह करता था। उस टाइम पे मुझे पहली बार फील हुआ कि ऑडियंस जब आपके जोक पे हंसती है तो वो फीलिंग क्या है, और वो एक बहुत ही एडिक्टिव फीलिंग है। अगर आपने ये एक बार आपको हिट कर गया फिर आप इसे नहीं रोक सकते कुछ भी करके। ऐसे बहुत सारे लोग 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए स्टैंड अप में, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ नहीं छूट रही है उनसे। तो मैंने तब वहाँ पे पहली बार वो फील किया था कॉलेज में, और फिर मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने कॉलेज के बाद में ट्राई किया, मैंने कैट एग्जाम दिया, उसमें मैं आई एम अहमदाबाद के इंटरव्यू में तक गया था मैं वहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ थैंकफुली। तो मैंने कहा अभी अब चुटकुले सुनाते हैं, अब इसका टाइम आ गया। फिर मैंने पाँच साल की मैंने काफ़ी मेहनत करी, एंड देन फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन कॉमिक स्टैंड। स्टैंड अप का दूसरा नाम है बेइज्जती। वाकई में इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग ना किसी भी आर्टिस्ट को देखते हो तो तब देखते हो जब वो कुछ बन चुका है। जब आप फेमस नहीं हो तो आपको देखने तो आएगा नहीं, है ना, कोई टिकट थोड़ी लेगा, आपको जानते नहीं कोई। तो हम लोग करते थे क्लब्स में, बार्स में, पब्स में परफॉर्म करते थे, वहाँ 11वीं के बच्चे हुक्का है उनके हाथ में, मैं वो कर करके यहाँ तक आया हूँ, है ना। तो वो खराब तो जाते ही हैं, अच्छा चला जाए तो सरप्राइजिंग लगता है, अच्छा चला गया आज। फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा ये अच्छा था इसे रख लेता हूँ, ये अच्छा था इसे रख लेता हूँ, और धीरे धीरे फिर आप अपना शो बनाते हो। क्योंकि जब मेहमान घर पर आते हैं ना, है तो मम्मी ऐसे बोलती है जो सामान जहाँ से उठाया है वहीं रखो, तो मैं दुकान पे रखा था, मैंने वहीं से उठाया था। हमारा तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना सो गए हैं, हल्की हल्की नींद आ गई, उस टाइम पे एकदम से कोई थॉट स्ट्राइक करता है और जल्दी से उठ के उसे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह ना भूल जाऊँगा कि मैंने क्या लिखा था। ये करूँ क्या लिखा था मैंने, ये तीन ही तो शब्द हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो बेसिकली अपने आम जीवन से ही मुझे वो वाला स्टैंड अप करना पसंद है जो लोग सब रिलेट कर सकते हैं, ओ ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि स्टैंड अप जनरली मुझे वो वाले दो चीज़ें बहुत चलती हैं, बहुत लोगों को पसंद आती हैं, एक कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना, और दूसरा ये मेरे साथ हुआ है। स्टैंड अप की ना कोई क्लास तो होती नहीं है, ना कोई सिखाने वाला, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं अभी भी। स्टैंड अप एक कॉमिक बनने में 15-15 साल लगते हैं इंसान को ना, बहुत टाइम, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप ना बस करो लोगों के सामने, बेइज्जती वही बोल रहा हूँ, बेइज्जती अगर तुमने झेल ली, ईगो अगर अपना भूल गए, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं अरे मैं जाऊँगा और पागल कर दूंगा दुनिया, एक बार बेइज्जती होगी 15 बार बेइज्जती होगी, लेकिन एक दिन कोई एकदम से ना हंस देगा और तुम्हें उससे प्यारा इंसान कोई नहीं लगेगा कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं, एक हंस दिया ना, और फिर वो बाद में बताते 2 साल बाद के मैं तो बस सिंपति के लिए ऐसा था। तो जाकिर भाई वो बस्सी मेरे हिसाब से बहुत ही अव्वल दर्जे के कॉमिक्स है। हम मिडिल क्लास लोग इतने कंजूस हैं, मेरे पापा अगर अपना ब्लड टेस्ट करवा लें और उसमें कुछ ना आए तो उन्हें नुकसान फील होता है, कहते बेवजह ही करा लिया ये तो। डीमोटिवेटेड तो फील हो गई ना भाई, हर करियर में ऐसे तुम्हें पढ़ते वक्त लगता होगा कि यार क्या होगा कि नहीं होगा, करते रहो हो जाएगा, टाइम लगेगा बहुत सारा, लेकिन फिर ना उसके बाद में एकदम से लगता है अच्छा हुआ मेहनत करी थी। बाद में आज पता है मेरे पेरेंट्स कितने वो हैं, इतने स्वीट लोग हैं वो सिर्फ मेरे को, मैं 2-3 दिनों से बाहर हूँ, ब्लेजर मुझे खुद ने लान दिया वरना क्रीज आ जाएगी, तो आज सिर्फ देने आए थे बाहर, मुझे ब्लेजर पकड़ाया, कोकोनट वाटर दिया, पानी पिया मैंने और वो चले गए, बस इतना ही 2 मिनट का इंटरेक्शन। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, बस मेहनत करो, उन्हें खुश रखो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। लिमिट का ना कैसे डिसाइड करें, इसकी लिमिट कुछ और है और इसकी कुछ और है, समझ लो एक ही शो में ये बोलता है इतना कर दो, ये बोलता है भाई बिल्कुल मत करना, तो लिमिटेड आप डिसाइड नहीं करते। लेकिन जब आप लाइव शो में होते हो ना, जब आप वीडियो में देखते हो लगता है यार ऐसे कैसे बोल दिया, पर लाइव शो ना वो 5 मिनट का क्लिप थोड़ी होता है, लाइव शो 1.5 घंटे का है, तो उसके अंदर आपको समझ में आता है ओ अच्छा ये बाद में अच्छे से बातें भी हो रही थी, बाद में लोग गले मिल के गए एक दूसरे से, तो वो आपको उस क्लिप में लग रहा है ज़्यादा हो गया। कभी कभी हो जाता है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन वो ना लिमिट हम डिसाइड कर नहीं सकते, क्योंकि सर को हो सकता है बहुत जल्दी किसी बात पर बुरा मान जाए और लौंडे बोलेंगे भाई झड़ कर दे इसकी, अगर पसंद नहीं आ रहा तो स्किप, उसमें क्या मतलब। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, कभी कॉमेडियन ना कोई आर्टिस्ट ना वो आपके लिए नहीं करता कि मैं बस इस लड़की को खुश कर दूँ जिंदगी में एक बार, मेरा आज दिन बन जाएगा, है ना, वो अपनी बात कहता है। हो सकता है वो जो कॉमिक आपको पसंद नहीं है, ऑल्दो मुझे पता है किस बात कर रहे हो आप, ठीक है, मुझे जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हो उसको पसंद भी तो बहुत सारे करते हैं ना, तो उसे उनके लिए करने दो, उस व्यक्ति ने अपनी ढूंढ ली, आप उसे करते रहो, हिट स्किप कर दो ना, आगे क्या दिक्कत है उसके, वो लोग खुश रहेंगे, तुम लोग मस्त हो जो भी कर रहे हो कॉमेंट्स में। यार देखो मैं बताता हूँ, जब आप अपना पसंद का काम करते हो ना उसमें लेट जल्दी क्या है, मैं तो सारी जिंदगी करने आया हूँ ये, मैं तो बुढ़ापे तक करूँगा, तो कोई मुझसे पहले फेमस हो बाद में फेमस हो बस मेरा घर चलना चाहिए इस काम से, समझ रहे हो। स्टैंड अप में कोई कंपटीशन नहीं, आपको लगता होगा कंपटीशन है, अगर फॉर एग्जांपल बस्सी फेमस हुआ उसकी वजह से करोड़ों लोगों को स्टैंड अप के बारे में पता चला, वो हमारी तो शो देखेंगे बाद में, इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। स्टैंड अप आर्ट में कोई कंपटीशन नहीं होता है, वो आपको लगता है पर नहीं होता ऐसा कुछ।